हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ नंदिनी, नंदिनी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है डाइट के ऊपर, यानी कि कितने प्रकार के डाइट होते हैं और कौन सी डाइट कब लेनी चाहिए और उस डाइट के बेनिफिट क्या होते हैं। सारी चीज़ें एक के बाद एक इन डिटेल से इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। तो अगर आपको डाइट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है या आप जानना चाहते हैं कि कितने टाइप के डाइट होते हैं, क्या क्या डाइट का नाम होता है, तो वो सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, तभी वीडियो इफेक्टिव लगेगी और आपको समझ में आएगा। फ्रेंड्स, हर एक सिचुएशन में डाइट चेंज करनी पड़ती है। कभी हम कुछ खाते हैं, कभी डॉक्टर के सजेशन के बाद खाना स्टार्ट करते हैं, कभी बॉडी में थोड़ी बहुत कुछ दिक्कत आ जाए, तो इस तरीके से डाइट को चेंज किया जा सकता है। और डाइट चेंज करने से हेल्थ पे काफ़ी इफेक्ट आता है। जितनी इम्पॉर्टेंट एक मेडिसिन होती है किसी भी डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए, उतना ही इम्पॉर्टेंट डाइट भी होता है उस डिज़ीज़ को ट्रीट करने के लिए। तो आते हैं अब अपने टॉपिक के ऊपर, हाउ मेनी टाइप ऑफ डाइट। पहला डाइट है जो है वो बैलेंस डाइट, जिसके अंदर शामिल होता है कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल, विटामिन, जिसे हम नॉर्मल डाइट भी कहते हैं और बैलेंस डाइट कहते हैं। बैलेंस डाइट जरूरी है। अगर आपके खाने में कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स, वाटर, विटामिन, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट है, तो उसे हम टर्म देंगे नॉर्मल डाइट, जो कि मैक्सिमम पर्सन लेते हैं नॉर्मल डाइट, जिन्हें कोई भी डिजीज़ नहीं होता। एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए ये डाइट जरूरी है। सेकेंड होता है डायबिटिक डाइट। जैसा कि नाम से ही लग रहा है डायबिटिक डाइट, तो इसके अंदर एब्सेंस ऑफ शुगर और कार्ब, यानी कि कार्बोहाइड्रेट एंड शुगर की मात्रा नहीं होती है, इसीलिए हम इसे टर्म देते हैं डायबिटिक डाइट। ये डाइट मेनली उनको फॉलो करना चाहिए जिनको डायबिटिक होता है, जो क्रॉनिक डायबिटिक के पेशेंट होते हैं। एंड थर्ड है हाई कैलोरी डाइट। हाई कैलोरी डाइट के अंदर 4000 किलो कैलोरीज वाली डाइट इंक्लूड की जाती है। फ्रेंड्स, ये हाई कैलोरीज डाइट उनके लिए लिया जाता है जैसे माल न्यूट्रिएंट है, जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं कुपोषित है, तो माल न्यूट्रिएंट वाले पेशेंट में जरूरी होता है। एंड हाई कैलोरी डाइट जैसे कोई बच्चा है जिसका ग्रोथ रिटार्डेशन है, यानी बच्चा अपने सामान्य बच्चों के अपेक्षा नहीं बढ़ रहा है, तो उसके में हाई कैलोरी डाइट देनी पड़ती है। या कह सकते हैं कि उसकी इम्यूनिटी बहुत वीक है, तो उसे हाई कैलोरी डाइट दे सकते हैं। अगर वेट गेन कराना है तो हाई कैलोरी डाइट दे सकते हैं। एंड हमारा फोर्थ टाइप का डाइट है हाई फैट डाइट। हाई फैट डाइट में हम रखते हैं रिच अमाउंट ऑफ फैट। हाई फैट भी उनके लिए जरूरी है जिनका वेट बहुत कम है और जो वेट गेन करना चाहते हैं। एंड फिफ्थ नंबर का डाइट है हाई फाइबर डाइट। हाई फाइबर डाइट वो है जिसमें हरे पत्तेदार व रेसेदार सब्जियां और फ्रूट्स शामिल होते हैं, उन्हें हम हाई फाइबर डाइट बोलते हैं। हाई फाइबर डाइट उनके लिए जरूरी है जैसे कोई प्रेग्नेंट लेडी है जिसे कि कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है। मेनली प्रेग्नेंट लेडीज में एक कॉन्स्टिपेशन नॉर्मल प्रॉब्लम होता है जो कि उनको थर्ड स्टेज में देखने को मिलता है, यानी कि थर्ड ट्राइमेस्टर में देखने को मिलता है। तो वो हाई फाइबर डाइट जैसे हरे पत्तेदार सब्जियां, हरे रेसेदार फ्रूट्स जो है, छिलकेदार फ्रूट्स जिसे हम बोल सकते हैं, वो सब अगर लें तो उनका जो कॉन्स्टिपेशन है वो सबसाइड हो जाता है। ऐसे फीमेल्स के लिए, और बेसिकली जिनको थायराइड की वजह से भी कॉन्स्टिपेशन होता है, जैसे जो हाइपोथायरायडिज्म वाले पेशेंट होते हैं, तो उन्हें हाई फाइबर डाइट लेने के लिए सलाह दी जाती है। वहीं हमारा छठे नंबर का डाइट है जिसे हम बोलते हैं हाई प्रोटीन डाइट। फ्रेंड्स, हाई प्रोटीन डाइट प्रेग्नेंट लेडीज़ में तो ज़रूरी है ही, बेसिकली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो ज़्यादा ही ज़रूरी होता है। जब वुम के अंदर स्टार्टिंग फीटस का बनना होता है तब तो उनको हाई प्रोटीन डाइट की ज़रूरत होती है। साथ ही साथ अगर किसी मदर को ऐसा है कि जैसे ओलिगोहाइड्रोमनियोसिस, यानी कि उसके जो बेबी जहाँ पे है उसका फ्लूइड कम है, या बेबी का ग्रोथ नहीं हो रहा है, या उसका वेट गेन नहीं हो रहा है, तो ऐसे में हाई प्रोटीन डाइट लेने की सलाह देते हैं। और वहीं जहाँ किसी बच्चे का फिजिकल ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ सब कुछ होना है, तो ऐसे में हम उसे हाई प्रोटीन डाइट दे सकते हैं। और ओल्ड एज में भी हाई प्रोटीन डाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि उनमें धीरे धीरे क्या है, नेचुरल जो डेंसिटी है, बोन डेंसिटी और सारी चीज़ें, तो वो वीक होने लगती है। तो हाई प्रोटीन डाइट बेसिकली बच्चों में, प्रेग्नेंट वुमेन में और बूढ़ों में देने की ज़रूरत होती है। अब इसमें क्या क्या होता है हाई प्रोटीन डाइट के अंदर, जैसे मिल्क है, फिश है, मांस है, दाल है, फ्रूट है, हरी सब्जियाँ हैं, इनमें प्रोटीन पाया जाता है। इन चीज़ों को डाइट में इंक्लूड करना ही हाई प्रोटीन डाइट होता है। सातवें नंबर का डाइट है जो हम बोलते हैं लिक्विड डाइट। तो नाम से ये भी बहुत इजी है समझना, जैसे लिक्विड यानी कि कुछ भी ऐसी चीज़ें जो आप लिक्विड तौर पे ले रहे हो, जैसे आप मिल्क हो गया, फ्रूट जूस हो गया, दाल का पानी हो गया, जैसे कह सकते हैं कोकोनट वाटर हो गया, तो जितनी भी चीज़ें सिर्फ पीने वाली हैं या छनी हुई हैं उन्हें हम लिक्विड डाइट बोलते हैं।
ये बेसिकली उनके लिए ज़रूरी होता है, जैसे किसी की कभी सर्जरी हुई है, सर्जरी के बाद डॉक्टर सलाह देते हैं कि लिक्विड डाइट लेना है, कभी किसी का लाइपोसक्शन सर्जरी हुई है जिसमें कि फैट को कम करने वाली एक सर्जरी की जाती है जिसे लाइपोसक्शन बोलते हैं, तो उसे भी लिक्विड डाइट पे रहना होता है, डॉक्टर इसकी सलाह देते हैं। कोई पर्सन अगर डिहाइड्रेटेड है तो उसे डॉक्टर लिक्विड डाइट लेने की सलाह देते हैं, पानी ज़्यादा पीने की सलाह देते हैं, तो ये होता है लिक्विड डाइट। बेसिकली बहुत से लोग हैं ना वो अपना वेट कम करना भी चाहते हैं तो भी लिक्विड डाइट ज़रूरी है, जैसे उसमें वो प्रोटीन सब कुछ ले ही रहे हैं, सब कुछ लेते हैं बट वो लिक्विड तौर पे लेते हैं ताकि फैट कम कंजप्शन हो सके उनकी बॉडी में, तो इन चीज़ों में लिक्विड डाइट लिए जाते हैं। अब नेक्स्ट है लो कैलोरी डाइट। इसके अंदर कैलोरी जो है वो 1200 किलो कैलोरी ही यूज़ किया जाता है, तो जो इस तरीके की डाइट लेते हैं उन्हें हम लो कैलोरी डाइट बोलते हैं। एंड लो फैट डाइट जो कि फ्री फॉर फैट, ये ज़्यादातर जो ओबेस पर्सन होते हैं जिनको अपना वेट रिड्यूस करना है उनके लिए लो फैट डाइट की सलाह दी जाती है। नेक्स्ट है रूगी डाइट। अब रूगी डाइट एक ऐसा डाइट होता है जो कि बहुत जो जैसे क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन वाले मरीज होते हैं जिनका कि कॉन्स्टिपेशन ठीक ही नहीं होता है, मोशन नहीं होता टाइम पे, तो उनको रूगी डाइट की सलाह दी जाती है। ये रूगी डाइट इंटेस्टाइन के पैरास्टल्सिस मोमेंट को बढ़ाता है, उनके गति को बढ़ाता है, तो कॉन्स्टिपेशन सबसाइड हो जाता है। तो मेनली जो रूगी डाइट है वो कॉन्स्टिपेशन वाले मरीजों को दिया जाता है। द पार्ट ऑफ प्लांट बेस्ड फूड, ग्रेन, फ्रूट, वेजिटेबल, नट्स एंड बीन, ये सब इसलिए कि बॉडी जो है इसे इजीली डाइजेस्ट कर सकती है और इजी टू ब्रेक, इस टाइप के डाइट को हम रूगी डाइट बोलते हैं। सॉफ्ट डाइट। सॉफ्ट डाइट में वो है जो बहुत ही आसानी से चबाया जा सके या जिसे ओवर कुक करके दिया जाता है, जैसे राइस है उसको ओवर कुक करके दिया गया सॉफ्ट, जैसे खिचड़ी दे सकते हैं या दलिया बना के देते हैं उसको भी अगर दो बार कुक किया जाए, पोहा हो गया, ये सब क्या है जिसको आसानी से चबाया जा सके उसे हम रखते हैं सॉफ्ट डाइट के अंदर। ये भी बेसिकली जिनमें पेट की कोई सर्जरी हुई हो ऐसे मरीजों को भी डॉक्टर सॉफ्ट डाइट की सलाह देते हैं। एक होता है लास्ट जिसे हम बोलते हैं ब्लेंड डाइट। ब्लेंड डाइट जैसे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको कि बॉयल करके खाया जा सकता है या सिर्फ स्टीम से पकाया जाता है, जिसे कुक नहीं करते, जैसे प्रॉपरली फ्राई नहीं करते, मसाले यूज़ नहीं करते, सिर्फ वो ब्लेंड है, मतलब ना ही किसी चीज़ों में वो फ्राई किया गया ना ही उसमें किसी चीज़ को मिक्स किया गया, लाइक इडली है उसे सिर्फ स्टीम से बनाया जाता है, पोटैटो है सिर्फ बॉयल करके खाया जा सकता है या स्वीट पोटैटो है उसको भी बॉयल करके खाया जा सकता है, कुछ ऐसी सब्जियां हैं जैसे गाजर है उसे नॉर्मल स्टीम दे करके बॉयल करके खाया जा सकता है, तो कुछ ऐसी डाइट जो कि बिना डीप फ्राई किए बिना स्पाइसी फूड होता है उसे हम रखते हैं ब्लेंड डाइट के अंदर। ये ब्लेंड डाइट भी इजी टू डाइजेस्ट होता है। तो फ्रेंड्स ये थी डाइट को लेकर के एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको ऐसी जानकारी पानी है जो मेडिकल हेल्थ से रिलेटेड होता है तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।